नमस्कार भाई सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदित्याज कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ SSC GD को लेकर। आपको पता है कि मार्केट में SSC GD को लेकर इस समय इतना भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक मेहनती बच्चा जो वास्तव में मेहनत करके 130 नंबर लेकर आया है, उसको भी कहीं ना कहीं ये डाउट है कि मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो भी रहा हूँ या नहीं हो रहा। वो उसके मतलब इतनी आक्रामक स्थिति बनाई जा चुकी है मार्केट में, हर कोई जिसको भी देख रहे हैं वो कट ऑफ के ऊपर इतनी चर्चाएं कर रहा है और अपनी कट ऑफ को सही करने के सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता है कि एक्चुअल में किसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। एक्चुअल में कट ऑफ जो जाएगी वो तैयार हो रही है, SSC तैयार कर रही है उसे, हम जो अपने अंदाजे लगा रहे हैं सब कुछ, लेकिन अंदाजा कम से कम ऐसा होना चाहिए भाई कि थोड़ा बहुत उसका कुछ लॉजिक हो। कहीं से आप लॉजिक तो ढूंढिए। आप बिना मतलब के कट ऑफ को 150, 145, 140 प्लस फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहे हैं, तो फाइनल मेरिट क्या जाएगी? आप इस चीज़ का अंदाजा लगाइए। और इसका पता परिणाम क्या निकलने वाला है भाई? इसका परिणाम ये निकलने वाला है कि एक जो मेहनती बच्चा था, जो दिन रात मेहनत करके 130 नंबर तक पहुंचा है ना, वो फिजिकल की तैयारी ही नहीं कर रहा। वो फिजिकल की तैयारी उसने ये कहकर छोड़ दिया है कि मेरा तो नंबर ही नहीं आने वाला, मैं फिजिकल की तैयारी कर कर करूँगा क्या? अब आप एक चीज़ बताइए, इस चीज़ का परिणाम पता क्या देखने को मिलेगा कि जिस दिन फाइनल मेरिट लगेगी ना, उस दिन ये निकलेगा कि जिस बच्चे के नंबर उससे कम थे, 128 थे, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आप एक चीज़ का अनुमान लगाइए, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दिल्ली पुलिस देखा, बच्चों पर फिजिकल नहीं लगा तो फाइनल मेरिट एक एक नंबर बढ़ना मुश्किल हो गई, जिसे लोग बाग 25 15 15 20 20 नंबर तक, 10 10 नंबर तक तो नॉर्मली बढ़ा रहे थे कि जो मेरिट लगी है 60 नंबर पर EWS की, वो मेरिट कम से कम 75 जाएगी, 15 15 नंबर इंक्रीजमेंट कर रहे थे और वो क्या हुआ, 60 से 61 पर लग गई। समझ में आई? तो भाई पहले फिजिकल पर फोकस कीजिए। यदि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ फाइनल मेरिट की सोच रहे हैं अभी? मैं खुद SSC GD में सेलेक्टेड हूँ, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है, क्या मेडिकल में होता है, क्या टैटू जो है वे कामयाबी टैटू जो है आपको मेडिकल में पॉइंट बनवा सकते हैं नहीं बनवा सकते, वो सारा प्रोसेस मुझे पता है भाई, मैं आपको बताऊंगा। पर मैं पहले आपसे यही कहूंगा कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत कीजिए। और क्या कट ऑफ रहने वाली है वो थोड़ा सा प्रेडिक्शन मैं भी आपको दूंगा। देखिए, मैं खुद SSC सेलेक्टेड हूँ, SSC GD में सेलेक्टेड हूँ 2021 वाली भर्ती में, तो मुझे ज़्यादा जानकारी होगी कि उस समय भी लोग बागों ने कितना भ्रम बनाया था SSC GD की कट ऑफ को लेकर कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ एक्चुअल में जितनी जानी है वो उतनी जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि 160 में से 150 कट ऑफ चली जाए फिजिकल के लिए, 140 कट ऑफ चली जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो 140 कट ऑफ बता रहा है, 135 भी कट ऑफ यदि आप फिजिकल के लिए चले जाए तो आप हमसे आकर कह देना कि आपने गलत बोला था। भाई कैसे जा सकती है 135 कट ऑफ? आप इस चीज़ का तो अनुमान बताइए। फिजिकल के लिए कम से कम 1.5-2 लाख बच्चा तो जाएगा जाएगा। क्या 1.5-2 लाख बच्चा इतना है कि 135 नंबर लेकर आएगा? भाई आप मेरी मेहनत, आप जो है आप लोगों ने मेहनत करी है दिन रात, आप उस मेहनत को आंकिए कि आपने क्या कसर छोड़ी थी। आपसे कितना कोई होशियार हो सकता है? हो सकता है 200 400 500 व्यक्ति हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 1500 2000 हो जाएंगे, क्या लाखों में आपसे होशियार हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। किसी की बहकावे में मत आइए, मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ जो कट ऑफ मैंने एनालाइजिस करी है, बच्चों से संपर्क करे हैं, मेरे साथी हैं बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले जो साथी हैं उन सबसे मैंने वार्तालाप किया है। कम से कम 100 स्टूडेंट जो टॉप टॉप क्वालिटी स्टूडेंट है ना मेरी निगाहों में, अपने एरिए के टॉप 100 क्वालिटी स्टूडेंट से मैंने बात की है और उनका एवरेज निकाल कर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ये नहीं होता कि आप कट ऑफ लाखों बच्चों का डाटा ले लीजिए, उसके आधार पर कट ऑफ बताइए। आप टॉप 100 अपने एरिए के टॉप 150 आदमियों से बात कर लीजिए और जो उनका एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है ना, उस आधार पर आप कट ऑफ बताइए। क्योंकि जो टॉप क्वालिटी स्टूडेंट हैं, जब उनके मार्क्स ही इतने आ पा रहे हैं तो फिर उनसे एवरेज बच्चे के तो कहीं ना कहीं उससे नीचे ही होंगे, और जब उससे नीचे नंबर होंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट बच्चे नीचे ही जाएगी। आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, मेरिट का इतना उठना कोई लाजमी बात नहीं होती कि 135-140 आप हवा में उड़ा दीजिए, इसका कोई सेंस तो होना चाहिए भाई। SSC GD भी किसी ना किसी शिफ्ट को बेस मानकर ही तो नॉर्मलाइजेशन करती है,
तो नॉर्मलाइजेशन भी तो किसी शिफ्ट को बेस मानकर होगा ना, तो ऐसे ही कट ऑफ भी तो किसी चीज का बेस मानकर ही आप बता सकते हैं, या सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में कि आपने लिख दिया कि 27 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 90 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, अब तो आप बच्चे को खुश कर दोगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, जिस दिन फिजिकल की कट ऑफ लगेगी ना उस दिन वो आपको गालियां देगा, आपकी कट ऑफ आप इतनी हाई मत बनाइए कि कोई डिप्रेशन में चला जाए। हाँ कम आपकी, मैं ये भी नहीं कहता कि ज़्यादा कम बता दीजिए, लगभग अप्रोक्सीमेट तो दीजिए तो बच्चे को आस लगे वो फिजिकल की तैयारी कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी कम बता दो कि हर कोई फिजिकल की तैयारी करे, लगभग एक अप्रोक्स देखिए, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, हाँ एक आध नंबर ऊपर या नीचे चल जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप बता रहे हैं 140 मेरिट लग जाए 130, 10 नंबर का डिफरेंस, तो जिस बच्चे के 135 थे ना वो भी डीमोरलाइज हो गया, उसने भी फिजिकल की तैयारी नहीं करी, और उसके दोषी कौन है, आप लोग जो चंद केवल व्यूज के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। भाई मैं आपको बताऊंगा रियल कट ऑफ, जो भी बच्चा अपने शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जानना चाहता है कि हमारी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है और मेरे सर इतने नंबर हैं, मैं क्या मैं सेलेक्टेड हो पाऊंगा, वो कमेंट में अपने जवाब दे, कमेंट में अपने रिप्लाई करना, मैं कल इसी समय आऊंगा और आपके सारे रिप्लाइयों का जवाब दूंगा। भाई खुद SSC GD में सेलेक्टेड हूँ, ऐसे ही सेलेक्टेड सिलेक्शन नहीं लिया जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय भी लोगों में इतना भ्रम था कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, हम भी बहुत डिमोरलाइज हुए थे, लेकिन हमने उस दिन से सबक लिया है कि ये सिर्फ केवल वीडियो में अपने व्यूज के चक्कर में लोग वाग ऐसा करते हैं, एक्चुअल में जो कट ऑफ जानी है वो सीमित अपने दायरे में रहेगी। तो बच्चों मैं आपको ज़्यादा लंबी नहीं घुमाता, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, और अपने भाई पर विश्वास रखना, जो कट ऑफ मैंने दी भाई उससे ऊपर कट ऑफ, हाँ मानता हूं यूपी लेखपाल की मैंने कट ऑफ बताई थी कि 80 से 81, वो एक नंबर फालतू लग गई। तो बच्चे मैंने कहा कि एक आध नंबर का अंतर आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अप्रोक्स बताने की, यदि आप उस रेंज में आते हैं, क्योंकि भाई उस रेंज में यदि आप आते हैं तो आप जरूर अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि यदि पहले यदि आपका फिजिकल भी अनक्वालिफाई हो गया ना तो भाई बहुत बड़ा डैमेज पॉइंट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, किसी की बात मत सोचिए, दिल्ली पुलिस आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, पढ़े लिखे बच्चे सब यहीं घूम रहे हैं, और जो एवरेज बच्चा था ना, एवरेज से भी कम था, वो आज दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है। ये कितना बड़ा थ्रोबैक है उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जब वो उसकी आंखों के सामने आता होगा तो क्या कहता होगा, देखो ये जा रहे पढ़ंती, ये कहते थे कि हम दिन रात पढ़ रहे हैं और आज हम दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, तो ये चीज आपके साथ ना हो जाए। जो मेरिट 140 बताकर 135 बताकर आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है कि आप अपने फिजिकल पर ही ध्यान नहीं दे रहे, तो ये भाई आपकी गलती है। मैं बता रहा हूं, फिर खुद मैं सेलेक्टेड हूं, जैसा हमारे साथ हुआ था, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई हर किसी के साथ ऐसा हो। भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर एक बार कहता हूं कि जो कट ऑफ आपको मैं अब बताने वाला हूं, उस कट ऑफ पर ध्यान देना, और उस कट ऑफ पर यदि आप आ रहे हैं ना, उस कट ऑफ से मैं तो कह रहा हूं, यदि आप एक आध नंबर नीचे भी हैं तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करना, यदि उस कट ऑफ से एक दो नंबर आप नीचे भी हैं ना भाई तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करना, आपका भाई आपसे कह रहा है। क्योंकि देखिए मैं नहीं कहता कि मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, बाय चांस मानिए मैं आपको कट ऑफ 135 बता दूं, और सपोज कीजिए कट ऑफ 132 चली जाए, तो 133-134 वाला बंदा ये मत कहना कि आपने कट ऑफ 135 बताई थी, यहाँ तो 132 चली गई, हमने तो तैयारी नहीं की। भाई मैं कह रहा हूँ एक दो नंबर नीचे चली जाए, एक दो नंबर यदि आपके कम भी हैं तो भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि नुकसान तो कुछ होगा नहीं। एक चीज अब मैं ऐसे कहने लग जाऊं कि मेरिट 140 जाएगी और मैं कहूं भाई 120 वाला भी तैयारी करे, भाई वो चीज़ गलत है, वो बिल्कुल कहीं से कहीं भी जस्टिफाई नहीं होती है। हाँ मैं कहूं कट ऑफ 140 जाएगी, 138 137 वाला बंदा तैयारी करे, मैं तो कह रहा हूं 135 प्लस वाला बंदा तैयारी करे, क्योंकि तैयारी आपको नुकसान तो कुछ देगी नहीं भाई। शाम का यदि आप एक घंटा अपनी तैयारी में दे देंगे तो कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, और यदि फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं ना तो बच्चे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब समझ रहे हैं, पहले आप फर्स्ट स्टेज अपनी पार कीजिए। आपको पता नहीं है फिजिकल में बच्चे रोते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन बच्चों के इतने इतने नंबर थे ना वो बैठ बैठ कर रोते हैं कि सर हमारा फिजिकल नहीं लगा, हम पर फिजिकल अनक्वालिफाई हो गए। उस दिन महसूस होती है कि आपकी मेहनत, जो इतने दिनों की मेहनत थी, वो चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। कोई आपके आंसू नहीं देखने वाला, कोई आपके आंसू नहीं देखेगा कि आपने कितने आंसू बहाए हैं, आपको अपनी मेहनत जो है ना वो दिखानी होगी। बच्चे किसी के बहकावे में आकर ऐसा मत कर बैठना कि फिजिकल की हमने तो तैयारी नहीं करी। आपको क्या अनुमान था कि दिल्ली पुलिस में EWS की मेरिट 60 चली जाएगी,
किसी को अनुमान था फिजिकल की मेरिट इतनी कम लगेंगी। आप एक चीज बताइए, किसी ने भी प्रेडिक्शन नहीं करा था कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल के लिए जनरल की मेरिट 65 चली जाएगी? बताइए, किसी ने सोचा था? सब कितना सोच रहे थे, 70-72 तो कम से कम फिजिकल के लिए जाएगी। लेकिन उन बच्चों ने तैयारी ही नहीं की। खूब अच्छे अच्छे जो आपके नज़रों में इस समय मेन चैनल हैं, उन्होंने ये कट ऑफ बताई थी जिन पर लोग दिन रात विश्वास कर रहे थे। आप उन्हें गाली नहीं देंगे, लेकिन हाँ, आप हम जैसे लोगों को आकर अपनी कमेंट में गाली दे सकते हैं कि आपने इतनी कट ऑफ बताई। अब उन्हें गाली नहीं देंगे जिनकी वजह से आज मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस में जो मैक्सिमम थ्रोबैक देखने को मिला है ना बच्चों का, वो उन चैनलों की ही देन है। नहीं तो आप अपने आप से पूछना कि क्या आप दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी किस वजह से नहीं कर पाए। आप उस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि आपको पहले ही इतना डरा दिया गया कि भाई आप तो कट ऑफ में हैं ही नहीं, आप क्या करेंगे फिजिकल की तैयारी कर कर। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपको जो भाई आपका बताएगा ना, जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, उस कट ऑफ पर यदि भाई आप हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी बड़े जोर जोर से करना, किसी के बहकावे में मत आना। क्योंकि कोई दुनिया नहीं चाहती कि आपका सिलेक्शन हो, कोई दुनिया नहीं चाहती मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन हो। आपके माँ बाप, आपके घर के अलावा कोई दूसरा आपको नहीं चाहता। बाहर से आपको दिखा देंगे आप कितना खुश हैं, बाहर से आपको दिखा देंगे, लेकिन अंदर से दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, यदि इसका सिलेक्शन हो गया तो मेरे घर वाले मुझे कितनी गाली देंगे, या मुझसे ज़्यादा कमाना लग गया, इसकी लाइफ तो मुझसे बेटर हो जाएगी। ये कड़वी बातें तो हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछना मेरे दोस्त, क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो भाई देखिए, मैं ज़्यादा अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाला हूँ कि भाई मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ बननी है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक डाटा देता हूँ। अब की बार मेरे भाई ने एग्जाम दिया था, मेरे भाई का मैं आपको स्कोर बताऊँ, मेरा छोटा भाई है उसने एग्जाम दिया था, उसका स्कोर बताऊँ। देखिए उसके 20 नंबर का मैथ आता है, 20 में से 20 उसके मैथ के हैं। आप चाहें तो मैं उसका रोल नंबर आपको दे सकता हूँ भाई, आप खुद देख लेना। 20 में से अच्छी मेहनत की थी, अच्छी 20 में से 20 मैथ में सही हैं, रीजनिंग में 20 में से 19 सही हैं, एक मिसप्रिंटिंग हुआ है वो भी गलत निशान लग गया, लेकिन 20 में से 20 ही मानूंगा मैं तो, फिर भी कहूंगा 20 में से चलो 19 सही हैं। हिंदी में भाई 20 में से 18 सही हैं। आप जान सकते हैं 20 में से 20, 20 में से 19, 20 में से 18 करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। और जीके जो एसएससी हिला देती है उसमें भी मेरे भाई के 20 में से 12 क्वेश्चन सही हैं। अब आप अनुमान लगाओ कि कितना, मतलब एक ये मेहनत ही करने वाले बच्चे के आ सकते हैं, और मेहनत करने वाले के अब आप टोटल जोड़िए, 20 में से 20, 20, 19 रीजनिंग में, 20 और 19 कितने होते हैं 39, 40 मान लीजिए, एक बाद में घटा देंगे, 40 नंबर हुए, 12 जीके में, 40 और 12 कितने क्वेश्चन बैठते हैं, 40 और 12 बच्चे बैठते हैं 52, और 52 और हिंदी में बैठते हैं 18, 52 और 18 कितने बैठेंगे 70, 70 में से एक वो कम कर लीजिए जो हमने एक्स्ट्रा किया था, 69 क्वेश्चन सही हैं उसके। अब आप बताइए 80 में से 69 क्वेश्चन करना कोई मामूली बात है? एसएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट करा रही हो उसमें 80 में से 69 क्वेश्चन करना, और 69 क्वेश्चन पर भी मैं कहूँ कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो कितना बड़ा थ्रोबैक है। उसके 11 क्वेश्चन गलत हैं, उसने पूरा अटेम्प्ट 80 का किया, क्योंकि करना भी चाहिए था, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव थी बच्चों, 1/8 की, तो करना भी चाहिए था। यानी कुल मिलाकर जो उसका स्कोर बैठ रहा है वो 133-134 के बीच में बैठ रहा है, जो उसका स्कोर है ना बच्चे वो 133-134 के बीच में बैठ रहा है। जनरल बॉर्डर से डिपेंड करता है, आपका नक्सल एरिया में नहीं है, यूपी से रिलेटेड है, जनरल बॉर्डर है, ईडब्ल्यूएस उसकी कैटेगरी है। तो आप बताइए, इतनी मेहनत करने के बावजूद उस बच्चे के 33 नंबर आते हैं, और वो मैं उससे यदि कह दूं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बताइए फिर किसका सिलेक्शन होगा? क्या उसका होगा जो 80 में से 75 करके आ रहा है? आप कह सकते हैं कि 80 में से 75 करना कोई मामूली बात है भाई, यदि 80 में से 75 पर मेरिट जा रही है ना फिजिकल की, तो इसका मतलब है कि धांधली इतने स्तर पर है कि आपको अपनी तैयारी को ही छोड़ देना चाहिए भाई। आप तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है यदि मेरिट इतनी जाती है। आप खुद इतने समझदार हैं, आप खुद देखिए आपने जितने भी मेहनत की थी, आप खुद अपना अनुमान बताइए कि आपने कितनी मेहनत की थी और आपके कितने नंबर हैं। तो भाई देखे, मैं आपको अब अपनी कट ऑफ बताता हूं, जो मेरे हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूं। और भाई ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं, फिर एक बार सुन लेना, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं। अभी मैं कट ऑफ केवल आपके लिए फिजिकल के लिए बताऊंगा मेरे भाई, फिजिकल के लिए। यदि आपकी फिजिकल में इतनी कट ऑफ है ना, यदि आप फिजिकल में इतने नंबर के आसपास आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं भाई यदि थोड़े बहुत कम भी है ना,
तो भी तैयारी करना, एक दो तो तीन नंबर कम भी है ना तो मेरे भाई तैयारी करना, क्योंकि फिजिकल के लिए मौका हर किसी को नहीं मिलता। सांझ के एक घंटे अपना दौड़ के लिए दे देना, क्योंकि पढ़ना भी ऐसा नहीं कि आपका दिन रात पढ़ोगे उससे ही कोई सिलेक्शन होगा, शरीर के लिए दे देना, हेल्थ के लिए दे देना, इंजॉयमेंट के तौर पर चले जाना। क्योंकि अगर फिजिकल में मौका मिल गया तो भाई पहले फिजिकल की जिम्मेदारी करो, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बाहर होते हैं। यदि दिल्ली पुलिस वाला हाल हो गया ना तो ये मेरिट जो 15-15, 20-20 नंबर बढ़ रही है ये एक एक नंबर बढ़ाना मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अपने फिजिकल पर ध्यान दो, और जो अब मैं आपको सिर्फ कट ऑफ बताने वाला हूं। और हां, आप बच्चों से एक और चीज कहूंगा कि जो भी बच्चा अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर जानना चाहता है अपनी शिफ्ट का, मैं डाटा तैयार कर रहा हूं और कल को अपना एग्जैक्ट डाटा लेकर आपके सामने इसी समय आऊंगा। अभी थोड़ा बच्चों लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि लाइव आने के लिए अभी मेरी जो चैनल की वो है वो अभी इतनी मतलब इतना डेवलप नहीं हुआ है, और आप चाहें तो इसे डेवलप करवा सकते हैं। अब मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हैं और बच्चों इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अब आप लोगों के लिए लगातार लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं खुद SSC में सेलेक्टेड हूं। तो मैं आपको बताऊंगा भाई कि क्या से फिजिकल की तैयारी होती है, क्या फिजिकल में चेक होता है, क्या मेडिकल में होता है, मेडिकल में टैटू अलाउ है नहीं, कितने दिन मेडिकल चलता है, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है EWS को लेकर, क्या किस वजह से EWS वाले बच्चे बाहर होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस मैं गुजरा हुआ हूँ। यदि आप सब जानकारी लेना चाहते हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई आपका कुछ नहीं जाता भाई एक चैनल को सब्सक्राइब करने में, अपना भाई आपका भाई आपके लिए मेहनत करेगा, सब कुछ बताएगा। आपके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे, जो मेरा हो सकता है, जो गरीब बच्चा किसी कारणवश नहीं पढ़ पाता वो पढ़ सके। आपका भाई सिर्फ आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा है। तो बच्चों जो भी कल इसी समय आऊंगा, यदि आप लाइव आने की कंटेंट यानी लाइव आने तक मेरा चैनल डेवलप करवा सकते हैं तो डेवलप करवा देना, वरना मैं आपको वीडियो जरूर डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। आप लोग बस मुझे अपने कमेंट में अपना नंबर बताना, अपना कैटेगरी बताना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अपने नंबर बताना, अपनी कैटेगरी बताना, और आप नक्सल बॉर्डर नक्सल एरिया से डिपेंड करते हैं या जनरल बॉर्डर से, बस ये तीन चीज़ बता देना। जितने भी कमेंट आएंगे ना बच्चे, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर कोई उसके लिए नहीं आया हूँ, बस वैसे मैंने तो आपसे बोल दिया है कि यदि आपको अच्छा लगे, आप आगे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप बेशक मत सब्सक्राइब करना। पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर कमेंट में अपने वो बताना, अपने नंबर बताना, अपनी कैटेगरी बताना और अपना एरिया बताना, ये तीन चीज बता देना। और जिसको नॉर्मलाइजेशन जानना है वो अपनी शिफ्ट भी बता देना। बच्चों हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर कमेंट का। तो चलिए बच्चों मैं अब आपको जल्दी से अपनी कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए मेरी ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये मैंने फिर कह रहा हूँ, ये मेरी कोई कट ऑफ नहीं है, ये मैंने टॉप 100 स्टूडेंट जो मेरे आसपास एरिया के टॉप 100 है ना, मैंने कही टॉप, मैं एवरेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैंने टॉप 100 स्टूडेंट से बात की है, कम से कम 100 से ज़्यादा ही की होगी, लेकिन मैं 100 बता रहा हूँ भाई, 100 स्टूडेंट से बात की, और जो उनके आधार पर मैंने एवरेज इसको निकाला है ना, मैं उसके आधार पर आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ भाई, यदि आप जनरल से हैं ना, यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, देखिए नक्सल एरिया की मैं आपको कल बताऊंगा, अभी मैं आपको जनरल एरिया की बता रहा हूँ। जो भी बच्चे नक्सल एरिया से हैं कमेंट में बताना, कल जैसे भी कमेंट आएंगे उस कमेंट के आधार पर मैं कल आपको वीडियो लाऊंगा। अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी है आपकी और आप जनरल एरिया से डिपेंड करते हैं, तो बच्चे सीधी सुन लेना, मैं देखिए किसी को बुरी लग सकती है, किसी के नंबर कम होंगे, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपके नंबर कम हैं तो आप मुझे वो कीजिए, मैं सीधी बता रहा हूं, यदि आप जनरल एरिया से डिपेंड करते हैं और आपकी जनरल कैटेगरी है, मैं यहां बात कर रहा हूं मेल की, तो जो फीमेल है मैं उनकी बात कल करूंगा, कमेंट में जरूर बताना भाई, कमेंट में, तो मैं बात करूंगा जो जनरल है ना, जनरल कैटेगरी है और जनरल एरिया से है, भाई मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताऊं, आपके यदि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, फिर मैं ध्यान, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि आपके 130 नंबर है ना, यदि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 30 नंबर हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल एरिया से हैं, तो भाई किसी की मत सुनना, अपने फिजिकल की तैयारी करना। मैं आपसे फिर कहूँगा, यदि आपके 128 नंबर तक भी बैठते हैं ना, 128 नंबर तक भी यदि आपके बैठते हैं और आपकी कैटेगरी जनरल है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो भाई अपने फिजिकल की तैयारी कर लेना। 128 प्लस वाले सभी बच्चे
फिजिकल की तैयारी कर लेना। यदि आप फिजिकल की तैयारी ये सोच कर नहीं कर रहे हैं कि उस टीचर ने मना कर दिया, उस टीचर ने मना कर दिया, तो भाई किसी का कुछ नहीं जाता मना करने में। यदि 1% चांस, मैं तो कह रहा हूँ 1% भी यदि आपको मिल गया, मैं तो कह रहा हूँ 127 वाले को भी यदि 1% चांस मिल गया ना, तो जब बताइए जब क्या होगा। फिजिकल की जब तो कुछ भी नहीं होगा ना, मौका मिलने पर भी मौका नहीं बना पाए, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपकी कैटेगरी जनरल है और जनरल एरिया है, तो आप 130 नंबर लाए हैं ए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। 128 मैं कह रहा हूँ, 128 वाला भी रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 130 नंबर यदि आपके हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। दूसरी बात, यदि OBC की बात करता हूँ भाई, देखिए मैं ज़्यादा गैप यहाँ पर नहीं रखूँगा, बिल्कुल भी ज़्यादा गैप नहीं रखूँगा। मैं कहूँगा यदि आपके OBC में हैं, यदि आपके 128 नंबर हैं OBC में, मैं केवल 2 नंबर का मार्जिन लेकर चलूँगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरिट लगभग बराबर जाती है। OBC, EWS और जनरल, ये तीनों एक एक दो दो नंबर का डिफरेंस लाएंगे केवल, आप इस चीज़ को देख लेना भाई। यदि आपके 128 नंबर हैं, मैं कहूँगा 127, 126 वाला भी तैयारी करे। मैं अपनी जो मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ फिजिकल के लिए, 128 प्लस नंबर हैं, 128 है, 127 भी, 126 भी है, मैं तो जब भी कहूँगा 126 तक के बच्चों को कहूँगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। यदि इस मौके को नहीं बुना पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। EWS के लिए भी सेम मैं कट ऑफ रखूँगा 128, EWS के लिए भी बिल्कुल सेम रखूँगा भाई। SC और ST की यदि मैं बात करूँगा ना, SC की यदि मैं बात करता हूँ, देखिए भाई SC के लिए आप एक चीज़ बताइए, SC और ST की जो कट ऑफ है वो मैं अभी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी SC ST के इतने बच्चों से नहीं मिला। मैंने जो मैक्सिमम बात की है वो जनरल एरिया, या तो जनरल कैटेगरी से डिपेंड था, या OBC कैटेगरी से था, या EWS कैटेगरी से था। मैंने इन तीन कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से बात की है। अभी फीमेल थी मेरी कोचिंग में, जो फीमेल्स आती हैं उनमें से 2 से 3 लड़कियों ने केवल पेपर दिया था, तो उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको बहकाने का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने आपको कहा है कि आप यदि जनरल कैटेगरी है, तो आप कट ऑफ यदि मैंने 130 प्लस बैठते हैं, 130 बैठते हैं, 128 वाला भी तैयारी करें। आपकी यदि कट ऑफ जनरल कैटेगरी है और आप ये मेल कैटेगरी से हैं, जनरल एरिया से हैं, तो भाई अपनी तैयारी में लग जाइए, किसी की मत सुनिए। सेम मैं कह रहा हूं OBC EWS के लिए 128 क्वेश्चन नंबर्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि आपके हैं, तो भाई किसी की मत सुनिए। मैं कह रहा हूं आपका भाई कह रहा है, किसी की मत सुनिए। जिस दिन आपको यदि फिजिकल की कॉल ना आए, उस दिन कमेंट में आकर बताना कि भाई आपने झूठ बोला था, आपने हमें गलत वो दी थी सलाह। भाई आपका भाई कभी गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि मैं भुगता हुआ हूं SSC GD को। जिस टाइम मेरा नंबर आया था, उस टाइम लोग बाग कहते थे कि मत दौड़ो, मेरे तो खैर बतेरे, मेरे तो इतने नंबर पर्याप्त थे कि मेरी मनपसंद पोस्ट मुझे मिली, मनपसंद जो मैं चाहता था वो पोस्ट मुझे मिली। लेकिन भगवान ने क्या, इनके लोगों की जो करामात थी, भगवान की कृपा से मुझे मिली, लेकिन लोगों की क्या करामात थी कि इन्होंने लोगों ने इतना डिमोरलाइज किया और बच्चों को, मैं उन्हें बताता बताता थक गया कि मत सुनो, लेकिन जब क्या हुआ, फिजिकल नहीं लगा, रो रहे थे, वहां बैठकर रो रहे थे और अपने माँ बाप को पूछ रहे थे कि अब कैसे उन्हें बताएंगे। मैंने कहा था कि बच्चे जब ध्यान नहीं आया अपने माँ बाप का, कि जब नंबर आया कि मुझे फिजिकल क्वालिफाई करना है, अब आप क्या कहोगे बताओ, तो ऐसी स्थिति आ जाती है, बच्चे रोते हैं बहुत बुरी तरह। तो भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि फीमेल की जितनी भी फीमेल अपने कमेंट में मुझे नंबर बताएं, मैं और फीमेल से कल पूरी, मैं कह रहा हूँ कल पूरे दिन मेरा डिस्कशन ये रहेगा कि मैं बच्चों से बात करूं। SC और ST की कट ऑफ मैं कल आपके लिए बताने वाला हूं, और फीमेल्स के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैं आपके लिए बताने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं जनरल OBC और EWS के लिए लेकर आया हूं, कल इसी समय आऊँगा बच्चों, इसी समय आपके लिए सारा डाटा लेकर आऊँगा। तो कमेंट में जिसके जितने भी नंबर हैं उन नंबरों को मुझे बताए, अपनी कैटेगरी बताए, अपने एरिया बताए, जनरल है या नक्सल है, और अपनी शिफ्ट बताए यदि शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन निकालना है। मुझे समय लग रहा है, कल का मुझे समय दीजिए, कल पूरा डाटा लेकर आपके सामने इसी समय आऊँगा। और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप उन्हें कमेंट में छोड़ देना, क्योंकि अभी बच्चे मैं लाइव तो नहीं आ सकता अपने चैनल पर, क्योंकि अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन
लेकिन पूरी आप लाइव यदि अब आना चाहते हैं तो उस कैटेगरी उस स्तर तक मुझे पहुंचा सकते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, बच्चों के साथ शेयर करना, आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, मैंने आपसे फिर नहीं कह रहा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों फिर मैं आपसे एक बार कहूँगा कि जिसकी जो भी क्वेरी है ना, शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जानना है, अपनी फिजिकल के लिए हम क्वालिफाई हैं नहीं वो जानना है, तो बच्चे मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि कमेंट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट पूछेंगे, मैं कह रहा हूँ हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई आएगा, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन की पूछ रहा है, चाहे वे इस चीज़ के लिए पूछ रहा है कि वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई है नहीं, आपके जो भी क्वेरी होंगी भाई आपका भाई उस चीज़ का आपको रिप्लाई करेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो मैं आपसे भाई यही कहूँगा कि आपको कल इसी समय लाइव आकर पूरा डाटा आपके सामने लेकर आऊंगा नॉर्मलाइजेशन का, शिफ्ट वाइज बच्चों से बात करूंगा, एससी एसटी के बच्चों से बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात करूंगा, क्योंकि आप यदि, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, यदि आप टॉप 20 मैं कह रहा हूं 30-40 बच्चों से भी बात कर लेते हैं ना, एक्सीलेंट बच्चे पकड़िए, मैं वे नहीं कह रहा कि आप एवरेज या फेक बच्चे पकड़िए, आप एक्सीलेंट बच्चे पकड़िए, एक्सीलेंट आप अपने गांव के ही मत पकड़िए, अपने ब्लॉक के, अपने एरिया के आसपास के 10-20 गांव के बच्चे पकड़िए, और एक्सीलेंट बच्चे जो एक्सीलेंट में आते हैं, अब तो आपको बच्चे लाइब्रेरी में मिल जाते हैं एक्सीलेंट बच्चे अपने अपने एरिए की में, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्सीलेंट है वो जा रहा है लाइब्रेरी में पढ़ने, ठीक है ना। तो माँ बच्चों से बात कीजिए, और जब उस एक्सीलेंट बच्चों का डाटा आप देखेंगे कि एक्सीलेंट बच्चा ही यहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो एवरेज बच्चा कैसे पहुँच जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 1,00,000 बच्चों का डाटा चाहिए, ठीक है ना। तो आप, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कल आपको सभी का डाटा जो मैंने आपसे कहा है, एससी का, एसटी का, फीमेल का, और आपके जो क्वेरी रहेंगे, जितने भी कमेंट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बच्चों के कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है बच्चों। तो कल मिलता हूँ आपसे इसी समय, आप किसी के बहकावे में मत आइए, अंतिम बार कहूँगा भाई अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपका भाई आपसे हाथ जोड़कर कह रहा है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मेरा कोई बताइए मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं अपने फ़ायदे के लिए तो बात ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मेरा क्या आपका फिजिकल लगे या नहीं लगे मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भाई अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। यदि आपकी नौकरी लग गई तो आपके माँ बाप की ज़िंदगी सवर जाएगी, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। तो बच्चे अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपने रिप्लाई क्वेश्चंस कीजिए। और बच्चे आपसे एक बार और कहूंगा, यदि आपको कंटेंट पसंद आता है ना, तो बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आगे फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, पूरा प्रोसेस आपका भाई बताएगा, क्योंकि आपका भाई इन सब चीजों से गुजरा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो आपसे कल मिलते हैं, बिल्कुल जो भी आपकी क्वेरी है, जैसी भी क्वेरी है, कोई कुछ भी पूछना चाहता है मेरे भाई, आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करना, कमेंट में सॉरी भाई अपने क्वेश्चन डाल देना, जितने भी डाल सकते उतने डाल देना, और भाई जितने भी आप अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना उतना बढ़ा देना, आपका भाई आपके लिए हर वो संभव प्रयास करेगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको कोई ऐसी ओवर नॉलेज नहीं दी जाएगी जो आपको डिमोरलाइज करे, आप जिस दिन कट ऑफ लगे उस दिन कट ऑफ का मिलान कर लेना कि आपके भाई ने क्या बताई थी और आपका कट ऑफ क्या जा रही है, क्योंकि मैंने कोई कट ऑफ अपने हिसाब से नहीं बताई, बताने को मैं यहाँ एससी एसटी की बता देता, लेकिन भाई उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैंने मुश्किल से 5 से 10 बच्चों से बात की है। आपका भाई कह रहा है कि कल आपका भाई पूरे दिन लाइब्रेरियों में घूमेगा, अपने क्षेत्र की 10-20 लाइब्रेरी में घूमेगा जितने भी हैं, चाहे मुझे सुबह से सांझ हो जाए, बच्चों का डाटा तैयार करके आऊँगा, नॉर्मलाइजेशन जो भी शिफ्ट का, कैसे बच्चों का डाटा था, क्या एवरेज स्कोर बैठ रहा है, कल पूरा दिन इसी को दूंगा, और कल सांझ को इसी समय आप कर आपको जो है बच्चों जो भी आपकी क्वेरी है आपको मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, आपकी महिलाओं की क्या जाने वाली है, तो मैंने जो आज कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ के यदि अंतर्गत आप हैं तो बच्चे आप डिमोरलाइज मत होइए, अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे कल, जो भी आपकी क्वेरी हो उन्हें जल्दी से जल्दी कमेंट में कीजिए, कमेंट में मतलब डाल दीजिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है बच्चे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।